हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले राजेश रेडियो पुराना वाला मॉडल, जो कि सबसे पहले आया था। ये राजेश रेडियो का पुराना वाला मॉडल बूंदी का। आजकल ऐसा मॉडल तो नहीं मिलता है दोस्तों, नया वाला मॉडल आ चुका है, इसके अंदर अपग्रेड हो चुका है, लेकिन ये पुराना वाला मॉडल है। इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सी किट आती थी, 44-40 आईसी और झनकार प्लेट। देखिए एकदम सेम न्यू की जैसा दिखता है ये भी, कितने 10 साल पुराना है ये दोस्तों। और नया वाला बता देता हूँ मैं आपको कैसा आता है। तो दोस्तों आजकल तो ये वाला मॉडल आता है राजेश रेडियो में, आपको पता ही है दोस्तों। और ये वाला दोस्तों बहुत ही पुराना वाला मॉडल है, इसको हम आज रिपेयर करेंगे और आईसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फिर ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फंक्शन लगे हुए, पहले वाली टेप में या नई वाली टेप में ज़्यादा आते हैं, या ये देखिए न्यू वाली जो न्यू शेप में आती है नए मॉडल पर। और ये राजेश रेडियो की पुरानी वाली है, देखिए दोस्तों। चलो ओपन करके, तो दोस्तों हमने सारे स्क्रू ओपन कर दिए इसके। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, पहले ये वाली झनकार के जी एसी वाली प्लेट आती थी, आजकल न्यू मॉडल में आ रही है, वो भी दिखा देता हूँ दोस्तों मैं आपको कैसे वाले मॉडल में आती है आजकल। आपको पता ही होगा दोस्तों, आजकल ऐसी वाली झनकार किट आती है बेस टर्बल के लिए, पहले ऐसी वाली आती थी दोस्तों। इसको हम देखते हैं, तो ये वाली आती थी पहले दोस्तों। और प्लेट की बात करें तो हम प्लेट इसमें ओरिजिनल वाली, राजेश की ओरिजिनल वाली लगी हुई है दोस्तों। ये देखिए फिलिप्स की लगी हुई आती है पहले दोस्तों, राजेश के अंदर फिलिप्स की किट आती थी। ये देखिए फिलिप्स कंपोनेंट, फिलिप्स की ओरिजिनल वाली आईसी आती थी, फिलिप्स की ओरिजिनल प्लेट आती थी दोस्तों पहले। ये देखिए P90 5000 वॉट्स की, और ये इसके फिल्टर लगे हुए हैं दोस्तों, ये इसका फिल्टर लगा हुआ है। इसमें प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों, तो इसको रिपेयर किया गया है। और ये इसके वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये इसका कार्ड है, मैं कार्ड को फोकस करके दिखा देता हूँ दोस्तों। दोस्तों इसके अंदर पगारिया का कार्ड आता है ओरिजिनल वाला, जो कि बहुत ही अच्छा साउंड बनाता है और बहुत ही अच्छा कनेक्टर है। अगर आपके पास दोस्तों पुराना वाला ओल्ड मॉडल है, उसके अंदर ब्लूटूथ नहीं है, तो आप ब्लूटूथ किट भी लगवा सकते हो दोस्तों, मात्र बहुत ही कम रेट में मिल जाती है, 150 रुपये में आपको ब्लूटूथ वाली किट मिल जाएगी दोस्तों। मैं बताता हूँ ब्लूटूथ वाली किट कैसी आती है। ये देखिए दोस्तों, ये है ब्लूटूथ वाली किट, आपको 150 में लोकल मार्केट से भी मिल जाएगी, आप मेरे से पार्सल करवाना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा दोस्तों। ये है ब्लूटूथ वाली किट दोस्तों, इसमें एक नॉर्मल आलू वाली भी आती थी दोस्तों पहले, मैं नॉर्मल वाली भी बता देता हूँ आपको दोस्तों। ये देखिए नॉर्मल वाली, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आती थी दोस्तों इसके अंदर, तो एकदम सेम है दोनों, कोई अंतर नहीं है इसके अंदर दोनों में, फिर भी ये ब्लूटूथ वाला है, ये बिना ब्लूटूथ वाला है। अगर किसी दोस्त के पास सोनी की या ओरिजिनल टेप है, उसके अंदर ब्लूटूथ नहीं है, और पैनल वो पुराना वाला भी रखना चाहते हो दोस्तों ये वाला ही, तो भी उसके लिए भी एक चिप आती है दोस्तों, ये वाली ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये ऑक्स केबल में कनेक्ट होती है। इसकी वायरिंग में बता देता हूँ दोस्तों, ये देखिए इसके अंदर वायरिंग, ये ऑक्स केबल के अंदर कनेक्ट होती है। इसकी अगर आपको वीडियो चाहिए ब्लूटूथ वाले की, ब्लूटूथ कैसे फिटिंग होता है, कैसे कनेक्ट होता है, इसकी भी जल्द ही वीडियो में अपलोड कर दूँगा दोस्तों। आपको अगर जल्दी चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, इसकी वीडियो चाहिए तो मैं आपको अपलोड कर दूँगा जल्द ही, इसकी भी मेरे पास वीडियो अवेलेबल है दोस्तों। ये ब्लूटूथ किट है, मात्र 60 रुपये की किट है दोस्तों ये, जो कि जिस टेप में आपके ब्लूटूथ नहीं है उसको ब्लूटूथ बनाया जा सकता है मात्र 60 रुपये में दोस्तों। तो ये पैनल तो आपने देख ही लिया होगा ब्लूटूथ वाला, और ये पुराने वाला मॉडल का जो पहले आता था राजेश रेडियो में, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आती थी दोस्तों। और ये अभी ब्लूटूथ कनेक्टिंग करने के लिए ऐसा वाला पैनल ले सकते हो दोस्तों आप लोकल मार्केट से भी। और दोस्तों फ़िल्टर की बात करूँ मैं इसके अंदर राजेश रेडियो पुराने वाले मॉडल में, तो किस कंपनी के फ़िल्टर लगे हुए हैं दोस्तों वो भी देख लेते हैं।
तो दोस्तों हम इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, आईसी प्रॉब्लम है या फिर कार्ड में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आपको पगार या कार्ड भी बता देता हूँ कैसा आता है, पगार या कार्ड भी बता देता हूँ दोस्तों आपको। ये देखिए दोस्तों पगार या कार्ड ऐसा आता है दोस्तों, इसमें बूंदी, ये बूंदी का है। ये देखिए पगारिया की ब्रांडिंग भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए पगारिया, पगारिया ये तो पुराना वाला मॉडल का है दोस्तों, ये ख़राब हो चुका है। इससे नए भी आते हैं, अवेलेबल है हमारे पास दोस्तों। यहाँ पे सेंसर लगा हुआ था और ये नंबर प्लेट थी। इसमें ब्लूटूथ वाला भी आता है आजकल दोस्तों, पगारिया में ओरिजिनल वाला। ये बहुत ही अच्छा साउंड बनाता है दोस्तों। ये है चाइनीज़ दोस्तों, ये चाइनीज आईसी में बना हुआ है और ये ओरिजिनल आईसी में बना हुआ है। ओरिजिनल वाला बहुत ही अच्छा है पगारिया का कार्ड दोस्तों। ये आपको 250 में मिल जाएगा, यानी 250 रुपये में मिल जाएगा दोस्तों। लोकल मार्केट से कहीं से भी ले सकते हो आप। और ये चाइनीज है जो 150 में मिल जाएगा दोस्तों आपको। तो और आप चिप लेना चाहते हो वो चिप भी मिल जाती है दोस्तों। तो हम इसको ऑन करते हैं और फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना।